आइए दोस्तों, हिदायत रब की जानिब से जब भी आवाज कही जाती है वो शायद बनफ्स नफीस मौजूद होता है। वो शख्स जो इंसानियत का नंबरदार है, जुबानों का नंबरदार है, जो मोहब्बतों का अमीन है, अपनी शायरी में मोहब्बतों के पैगाम पहुंचाता है, मोहब्बतें निशावर करता है, उर्दू और हिंदी दोनों शायरी में अहम मुकाम रखता है। मेरी मुराद जनाबे विजय रोहन साहब से। विजय रोहन साहब बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, खूबसूरत नजर भी आते हैं, और कमाल तो ये है कि वो उर्दू बहुत अच्छी लिखते हैं, और उससे ज्यादा कमाल ये है कि आप टेलीग्राफर भी हैं, उर्दू के खताब भी हैं, बहुत खूबसूरत नवीसी की है। मैं यहाँ तक पर एहतराम से जनाबे विजय रोहन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने क्लास से। आज के मुंतजिम जो माहिर इस्लामी हैं, अब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि दहशत गर्दों का इस्लाम से क्या वास्ता है। तो एक कथा अर्ज करता हूं जिसका उन्वान है, ईद सईद पर दहशत गर्दों से। वाजिब नहीं तुमको कि मनाओ ये ईद, वाजिब नहीं तुमको कि मनाओ ये ईद, रमजान ही जब याद न आया तुमको, वाजिब नहीं तुमको कि मनाओ ये ईद, रमजान ही जब याद न आया तुमको, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, मगर अब तक उसने भी न कोई सबक सिखाया तुमको। वाजिब नहीं तुमको कि मनाओ ये ईद, रमजान ही जब याद न आया तुमको, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, मगर अब तक उसने भी न क्यों सबक सिखाया तुमको, इधर थप्पा हो तुम दामने इस्लाम पे आज, दहशत के सिवा तुमको कोई काम न था। वो इस्लाम की मरने वाली नहीं हो क्या करूं मैं? वो इस्लाम की मरने वाली नहीं हो, आपका इशारा है। एक कथा का आज ही हुआ है, सुए मक्तल चला जाता हूं, सुए मक्तल चला जाता हूं, खुदा है करे, खुदा है, सुए मक्तल चला जाता हूं, खुदा खैर करे, खुद को लाचार सा पाता हूं, सुए मक्तल चला जाता हूं, खुदा खैर करे, खुद को लाचार सा पाता हूं, क्या कहते बहुत क्या, खुदा खैर करे, जिसने कश्ती की कभी देखी नहीं सूरत भी, जिसने कश्ती की कभी देखी नहीं सूरत भी, ना खुदा उसको बनाता, सुबह मक्कल चला जाता हूं, खुदा खैर करे, खुद को लाचार सा पाता हूं, खुदा खैर करे, जिसने कश्ती की कभी देखी नहीं सूरत भी, ना खुदा उसको बनाता खुदा है। और एक ताजा कल पेश करता हूं, क्योंकि जमायत इस्लामी का ताल्लुक खुदा शनासी की तरफ है, तो इस गजल के कुछ शुरू के अशार जो है वो इसी तरह है। खुद पर यकीन था और था उस पर मुझे यकीन, खुद पर यकीन था और था उस पर मुझे यकीन, बिगड़ी जबात थी मेरी यूं ही बनी नहीं, खुद पर यकीन था और था उस पर मुझे यकीन, बिगड़ी जबात थी मेरी यूं ही बनी नहीं, कहते हैं वो, कहते हैं उससे बढ़ के हसीन हुई थी, कहते हैं उससे बढ़ के हसीन, कहते हैं उससे
नहीं, कोई भी नहीं, बस उसकी ही तलाश है। देखिए बहुत कहते हैं उससे बढ़ के हसीन कोई भी नहीं, बस उसकी ही तलाश है। देखिए बहुत हसीन, वो हर जगह मौजूद है जिसको खुदा कहे, वो हर जगह मौजूद है जिसको खुदा कहे। जलवा जो देखना हो तो फिर है कहीं कहीं, वो हर जगह मौजूद है जिसको खुदा कहे। जलवा जो देखना हो तो फिर है कहीं कहीं। और ये शेर बतौर खास और पहला शेर यही हुआ था, मुरझा गए हैं फूल मगर शाख पर तो है। मुरझा गए हैं फूल मगर शाख पर तो है, मंजर है बाग का किसी सहारा का तो नहीं। मुरझा गए हैं फूल मगर शाख पर तो है, मंजर है बाग का किसी सहारा का तो नहीं। और लगता है जिस बात की वजह से अरुण अब है नीम जान, जिस बात की वजह से अरुण अब है नीम जान, कहते हैं वो तो कोई बात ही नहीं। जिस बात की वजह से अरुण अब है नीम जान, कहते हैं वो तो कोई बात ही नहीं। और एक छोटी सी गजल में अमूमन 5 अशआर से ज्यादा कहानी करता हूँ। और पिछली बार भी जब 2 बजे सुबह मैंने ये बात कही तो समय में से इतने का कि उम्र का तकाजा है, तो मैंने कहा नहीं वो बात नहीं है, नगीने ढूंढना भी एक काम है। तेरा मिलना है मिलना खुशी का, तेरा मिलना है मिलना खुशी का, और मकसद भी क्या जिंदगी। तेरा मिलना है मिलना खुशी का और मकसद भी क्या जिंदगी का। और ये शेर देखिए, जिसने बरसों मुझे ताजगी दी, जिसने बरसों मुझे ताजगी दी, वो थच्छों का तेरे उतरी। जिसने बरसों मुझे ताजगी दी, वो था झोंका तेरे कुछ नहीं का, ले पहन ले लिबासे मोहब्बत, ले पहन ले लिबासे मोहब्बत, छोड़ के बुला मेरी दोस्ती का, ले पहन ले लिबासे मोहब्बत, छोड़ के बुला मेरी दोस्ती का, तेरा चंदन का टीका गुजारन, तेरे माथे पे चंदा का टीका, तेरा चंदन का टीका पुजारन, तेरे माथे चंदा का टीका, मैं ये समझा बजी तेरी पायल, मैं ये समझा बजी तेरी पायल, क्या छना का था तेरी नसी का, मैं ये समझा बजी तेरी पायल, क्या छना का था तेरी हंसी का। और मकता है ए अरुण जब भी वो सामने हो, ए अरुण जब भी वो सामने हो शक्ल चलता रहे दिलकशी का।